नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। शायद ही आप कभी ऐसे कैफे में गए हों जहां जमीन से 400 मीटर की गहराई में बनाया गया हो। इस कैफे की खासियत ये रहती है कि खतरे को देखते हुए भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही इसमें जाने की अनुमति है। यहां जाने वालों के लिए विशेष रूप से ये बनाया गया हेलमेट पहनना जरूरी होता है। कैफे में जाने के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। महिला मिलिका इवकोविच ने कैफे के बारे में बताया है कि मैं पहली बार ऐसे कैफे में जा रही थी। अंदर जाने से पहले मैं काफी डरी हुई थी और मुझे चिंता लग रही थी कि पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगी या नहीं, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। इस कैफे के गाइड और कर्मचारी सासा सर्बुलोविच का कहना है कि यहाँ आने वालों के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जैसे 18 साल से कम उम्र के लोगों को यहाँ आना वर्जित है। साथ ही यहाँ आने वालों का शारीरिक रूप से सक्षम होना भी जरूरी है। एक अकेले व्यक्ति को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जाती। यहाँ आप समूह में ही आ सकते हैं। आपको बता दें कि नॉर्वे के लिंडेसनेस इलाके में उत्तर सागर के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर रेस्टोरेंट बनाया गया है। 110 फीट लंबा ये रेस्टोरेंट समुद्र से निकल रहे बड़े दूरबीन की तरह दिखाई देता है। इसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। रेस्टोरेंट के 2019 तक शुरू होने का अनुमान है। रेस्टोरेंट को अंडर नाम दिया गया है और इसे नॉर्वे की कंपनी स्नोहेता ने बनाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।